मैं आपका मेजबान राकेश खान, हम इस समय रेलवे चौक पे खड़ा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे डेड बॉडी दो निकली हुई है। यहाँ पे हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं इस टाइम। सर रात पे रात शाम तम सर हम तो कल कदम नहीं उठाए सर, हमारी वो गलती नहीं है उसमें। सर यहाँ राहत ही मगर एडमिनिस्ट्रेशन कोर का ख्याल सर हमने कल भी किया हमारी सरकार भी चोर है पैसेंजर लोग कितने हैं कल से सर हमने कल भी ये न्यूज चलाई थी पैसेंजर का अभी तक छोटे छोटे बच्चे हैं सर हमने कल भी ये चलाया था सर मगर वो उनने नहीं देखा सर लोग कल से कहाँ थे सर हम कल भी आए थे हमने इनको कल भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिया था कि आप इधर से खोल दो रास्ता सर अपनी वर्दी को सोच रहे हो कि हम ये हैं जब भी जाते हैं आपके पास भगा देते हो ये थोड़ी इंसानियत है इनको मैंने अभी बोला उधर दो लाश है गाड़ी में इन्हें बोला जाओ 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 क्या कर रहे हो क्या किसने बोला किसने बोला डीएसपी ने बोला और क्या उधर मैंने उसको बोला उधर लाश के तो उधर बोला जाओ आ रहा है ये साला ये सब चोर है शहर में लगवाने का तरीका होता है गाड़ी हमको चोर है भागो अगर ठीक है रोड ब्लॉक करना है तो मार भेजो जो मैं ये लोगों से गाड़ी लेना भी छोड़ा यहाँ पर आन का लाकर रुका दिया डीएसपी ने बोला आपको जाओ ढूंढो लाश तीन सितारे बोला मेरे सामने बोला उसे मैं इसको बोले सामने बोलूंगा मैं सामने गया गाड़ी सर बोला उधर दो लाशी है तुम्हारा वो जहाँ ढूंढो कौन सी लाशी है जहाँ ढूंढो रास्ता अगर हाँ अगर टनल क्लियर है इनको पैसेंजर तो छोड़ना चाहिए कम से कम पैसेंजर छोड़ना चाहिए ना टनल में से ये टनल किसके लिए बनाया है ये तो पैसेंजरों के लिए बनाया है ना कि लोगों को सहूलियत होनी चाहिए इससे आप देखो आवाम कितनी है हाँ कितना आवाम है आप खुद देखो कितनी आवाम है कोई सुनवाई नहीं है कम से कम सुनवाई होनी चाहिए ना कोई सुनवाई नहीं है अपनी पब्लिक की इसका केस बनेगा एक दो बंदे की बात छोड़ो एसपीपी बंद हो जाएगा डीएसपी के पास गए ना डीएसपी के पास गए ने बोला डीएसपी ने क्या बोला सर आपको वहां पे डीएसपी ने बोला तीन सितारे बोला जाओ ढूंढो गाड़ी अच्छा जाओ ढूंढो गाड़ी सामने बोला जाओ उधर हम ये तो गया उधर से बोला चल लाश तो गाड़ी बोला जाओ ढूंढो गाड़ी ना गाड़ी तो कौन गाड़ी है पेन से खुआ रहे इधर ये किसका बोला ये डीएसपी ने बोला डीएसपी आपने डीएसपी को नहीं पकड़ पकड़ा मैं वो हमने सीधा उसको बोला साहब उधर दो लाश तो बोला जहाँ ढूंढा सारा रास्ता आपने रोड क्यों नहीं बना दिया एनजीओ भी आया लेकिन अभी कल से कोई भी नहीं आया कल से कोई नहीं आया यहाँ पे कल ट्रैफिक खुला था ट्रकों को छोड़ दिया छोटी गाड़ियों को बंद रखा बच्चे बूढ़े हैं औरतें हैं उनको यहीं पे बंद किया इन्होंने यहाँ तक कि कल रोड क्लियर था लेकिन इन्होंने फिर भी फंसाया हुआ रखा चोर है सब ये सब चोर है जबरदस्ती बंद रखते हैं हाँ टनल खुली थी लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ा और अगर कल रोड खुला था क्यों नहीं छोड़ा इनॉग्रेशन के लिए बंद रखी टनल यहाँ पे मोदी को इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं और मोदी आएगा टनल को खोल देंगे तब तक सब मर जाएगा यहाँ पे कोई नहीं बचेगा यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हम इस समय रेलवे चौक में मौजूद है आप देख रहे हो यहाँ पे हालात बहुत खराब हो चुके हैं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन पे सारा इल्जाम जा रहा है कि जिसकी वजह से दो लोगों की डेड बॉडी इन लोगों का ये कहना है कि हम डीएसपी के पास गए थे मगर डीएसपी के साथ कोई रेस्पॉन्स नहीं आया उनका ये कहना था कि हमारे वो जाओ ढूंढो हमको नहीं है यहाँ पे कुछ भी सब
فون تم دپن Let's keep going!